नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी के लिए जारी किए इतने रुपए। 11वीं 12वीं का मासिक मूल्यांकन परीक्षा इस दिन से। आज है विश्व अल्जाइमर दिवस। जाने इस बीमारी के लक्षण, बचाव और कारण। राज्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की होगी ग्रेडिंग। धोनी ने गणेश चतुर्थी का पर्व किया सेलिब्रेट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी के लिए जारी किए इतने रुपए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों को बीते अगस्त माह का वेतन और रिटायर्ड शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अगस्त माह के ही सेवांत लाभ का भुगतान करने के लिए 246.35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 246.35 करोड़ रुपए राशि में से 125,78,45,257 रुपया 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया गया है, जिसमें पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मरहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। तो वहीं बाकी बचे 120,57,45,247 रुपए सेवांत लाभ मद में 10 विश्वविद्यालयों को मिले हैं। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया हुआ तय। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 24 सितंबर से हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। बता दें कि अब इस ट्रेन का किराया भी तय हो गया है, जिसके तहत एसी चेयर कार का किराया 1200 रुपए निर्धारित किया गया है, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2300 रुपए निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि इस किराए में अभी कैटरिंग सर्विस चार्ज शामिल नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा ये टक्कर रोधी कवच प्रणाली से सुसज्जित है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में संचालित हो सकती है। गार्ड और ड्राइवर को बात करने के लिए रिकॉर्डिंग सुविधा युक्त संचार व्यवस्था, पूरी ट्रेन ऑनबोर्ड वाईफाई प्रणाली से सुसज्जित, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, 180 डिग्री घूमने वाले आरामदायक सीट समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। नवोदय में 9वीं और 11वीं में दाखिले को आवेदन 31 अक्टूबर तक। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं या 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि नवोदय में कक्षा 9वीं या 11वीं में नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। वहीं नामांकन के लिए लिखित परीक्षा 10 फरवरी 2024 को ली जाएगी। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9वीं में नामांकन लेने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 11वीं में नामांकन लेने के लिए बौद्धिक क्षमता, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। मालूम हो कि ऑनलाइन आवेदन वही छात्र करेंगे जो मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में नामांकित हो। वहीं जिस जिला में छात्र का स्थायी निवास हो, वो छात्र उसी जिला के नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करें। लगातार दूसरे दिन सुबह सुबह मुख्य सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन भी सुबह 9:30 बजे मुख्य सचिवालय पहुंचे। इस दौरान वे सबसे पहले प्रथम तल पर गए, जहां उनका कार्यालय है, और साथ ही उस फ्लोर पर मुख्य सचिव, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव का कार्यालय कक्ष है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन मंत्री और अधिकारी नीतीश कुमार के आगमन के पूर्व ही अपने कक्ष में मौजूद दिखे। मालूम हो कि एक दिन पहले सीएम नीतीश की ओर से घोषणा की गई थी कि अब वे सप्ताह में 3 दिन मुख्य सचिवालय और 2 दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठेंगे और यहां से सरकारी कामकाज करेंगे। आज है विश्व अल्जाइमर दिवस। जाने इस बीमारी के लक्षण, बचाव और कारण। इंसानों को अपने शरीर के साथ दिमाग का भी खास ख्याल रखना चाहिए। यह संदेश हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाकर दिया जाता। बता दें कि 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर्स फेडरेशन के द्वारा 1994 को किया गया था। बता दें कि यह बीमारी एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जो इंसान की मेमोरी, सोच और बिहेवियर को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। यह बीमारी अक्सर 65 साल के अधिक आयु के लोगों को होती है। अगर इस बीमारी के लक्षण की बात करें, तो लक्षण में रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाई आना, याददाश्त में कमी आना, बोलने में परेशानी होना, मूड और व्यक्तित्व में बदलाव आना शामिल है। यह बीमारी कुछ सामान्य कारक, पारिवारिक इतिहास, सिर पर चोट लगने से या डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल आदि भी से भी इस बीमारी के कारण हो सकते हैं। वहीं इस बीमारी का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं पता चल सका है, लेकिन इससे बचाव का सबसे आसान और बेहतर इलाज सिर्फ उचित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली है। आम लोगों की शिकायत पर निरीक्षण के लिए दफ्तर पहुंचे डीएम।
बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं का पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि 10:40 बजे तक कार्यालय में 81 कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। इस स्थिति को देखते हुए सो कॉल जारी करने के साथ ही डीएम ने इन सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन पर भी रोक लगा दिया है। बता दें कि अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारी कार्यालय में या तो देर से आते हैं या कभी कभी कार्यालय पहुंचते ही नहीं। इस वजह से लोगों को कामकाजी कार्यों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनता की शिकायत और परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी सुबह के समय में ही निरीक्षण के लिए दफ्तर पहुंचे, जिसे देखते हुए उन्होंने सो कॉल जारी करने के साथ ही एक दिन के वेतन को भी रोक दिया। बता दें कि अधिकारियों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 11वीं-12वीं का मासिक मूल्यांकन परीक्षा इस दिन से। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो बिहार बोर्ड 11वीं-12वीं के मासिक मूल्यांकन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बोर्ड के ओर से इस परीक्षा को लेकर तारीख घोषित कर दी गई है, जिसके तहत यह परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 4 अक्टूबर तक चलेगी। बता दें कि यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहले पाली की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जो कि 11:30 बजे तक चलेगी, और दूसरे पाली की परीक्षा की शुरुआत 12:30 बजे से होगी, जो कि 2 बजे तक चलेगी। वहीं इसका रिजल्ट 10 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है। बता दें कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन और रिजल्ट स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा। इसको लेकर बोर्ड की ओर से स्कूलों को प्राप्तांक का फॉर्मेट भेज दिया गया है। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करवा दिया गया है। वहीं परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का इंतजाम स्कूल स्तर पर किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर SBU की रेड। आज सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि संजीव कुमार गुप्ता के खिलाफ PC एक्ट 1988 13(2)R/W 13(1)(b) के तहत 19 सितंबर को ये मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इस बारे में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार के विद्युत कार्यकारी अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रभाग बिहार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बांका में काम करते हुए संजीव कुमार के द्वारा अवैध रूप से भारी संपत्ति अर्जित की गई है। इनके पास 1,03,89,713 रुपए अवैध रूप से मौजूद है। विजिलेंस की टीम के द्वारा पटना से भागलपुर बांका पूर्णिया स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में तैनात 12 SI बने इंस्पेक्टर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में कार्यरत 12 पुलिस अवर निरीक्षकों का उच्चतर प्रभार हेतु पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। बता दें कि जिन्हें यह प्रोन्नति प्रदान की गई है, उनमें शैलेंद्र कुमार पनोतय, प्रवीर कुमार, मनीष कुमार, रंजन शर्मा आदि शामिल रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बिहार के लगभग सभी जिलों में कार्यरत बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है, जिन्हें उन्हीं जिलों में उन्हें कार्यभार सौंपा गया है जहां वे पहले से ही तैनात है। वहीं इस पर मुख्यालय का कहना है कि इससे कांडों के अनुसंधान और क्राइम कंट्रोल में तेजी आएगी। इसी कड़ी में बिहार पुलिस सेवा आयोग में तैनात पुलिस अवर निरीक्षकों को प्रोन्नति मिली है। राज्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की होगी ग्रेडिंग। 26 सितंबर से बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू होने वाली है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होने वाली है, जो कि बहुत खास होने वाली है। बता दें कि इस परीक्षा में आए रिजल्ट के आधार पर ही स्कूलों की समीक्षा की जाएगी और फिर स्कूलों को ग्रेड प्रदान किया जाएगा। बता दें कि जिन स्कूलों को बेहतर ग्रेड मिलेंगे, उन स्कूलों को लेकर जिला स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए किस तरह की सुविधा प्रदान की जाए। वहीं इसके अलावा कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पेरेंट्स टीचर मीट में सम्मानित किया जाएगा। अब PhD के लिए होगी BET की परीक्षा। अगर आप भी बिहार के किसी विश्वविद्यालय से PhD करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब बिहार में PhD करने के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग विश्वविद्यालय में PhD परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि अब अगले सत्र से PhD में नामांकन लेने के लिए सभी को एक ही परीक्षा देनी होगी। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा राजभवन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बता दें कि इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा मुहर लगा दी गई है। मालूम हो कि अब अगले सत्र से एक ही परीक्षा के माध्यम से विषय विशेष में सीट उपलब्धता एवं आरक्षण के रोस्टर के हिसाब से उनका एडमिशन PhD में लिया जाएगा। इससे एक तरफ जहां शोधार्थी बार बार अलग अलग विश्वविद्यालयों में परीक्षा की परेशानी से बचेंगे, वहीं उन्हें फॉर्म के नाम पर आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। तेजस्वी के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली। लैंड फॉर जॉब मामले में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई है, जिससे कि तेजस्वी यादव सहित अन्य को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि CBI के द्वारा बताया गया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस चलेगा। इनके खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। हालांकि कोर्ट की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई। वहीं लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर सुनवाई अब एक दिन बाद यानी कि शुक्रवार को होगी।
प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर हमला। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के संदर्भ में राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है, आप बताइए जरा कि राहुल गांधी को बिहार में पिछली बार कब देखा था, बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना आपने? कांग्रेस ने तो 40 साल तक बिहार को बर्बाद किया है, यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काट कर फेंक दिया। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नाम निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार मुझसे पत्रकार कहते हैं कि आप कांग्रेस की शिकायत नहीं करते हैं, कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। बिहार में कांग्रेस साल 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस का 5% वोट बिहार में नहीं है। बिहार में 1990 के बाद जो तीन दल हैं जो पिछले 32 सालों से बिहार को चला रहे हैं वह है लालू, नीतीश और भाजपा। तो इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे? राबड़ी आवास में हुआ लौंडा नाच, कई लोग रहे मौजूद। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास में लौंडा नाच का आयोजन किया गया था, जिसमें राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मंत्री तेज प्रताप, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी समेत पार्टी के कई लोग शामिल थे। वहीं अब इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लालू यादव पार्टी नेताओं के साथ डांस करते दिखे। बता दें कि यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लौंडा नाच बिहार और पूर्वांचल का पारंपरिक नृत्य है। इसमें पुरुष अक्सर महिलाओं के कपड़े गहने पहनकर और मेकअप करके डांस करते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, बाद में यह काफी प्रचलन में आया और शादी ब्याह एवं अन्य आयोजनों में लौंडा नाच होने लगा। धोनी ने गणेश चतुर्थी का पर्व किया सेलिब्रेट। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का वीडियो आए दिन वायरल होते रहता है। इसी कड़ी में अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल धोनी का इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के मौके पर सेलिब्रेट करते देखा जा सकता है। बता दें कि पूरे देश भर में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया था, उसी मौके पर धोनी मुंबई में थे। ऐसे में वीडियो में धोनी गणेश भगवान को फूल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। धोनी के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा। इस वीडियो में धोनी ब्लैक आउटफिट पहने नजर आ रहे हैं, उन्होंने ब्लैक बूट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान इन दिनों लंबे बालों में नजर आ रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है भान प्रकाश मौर्य, गोरण शर्मा, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, धनंजय कुमार, मोहम्मद फहीम, रंगीला भान प्रकाश, विजेंद्र सिंह, विजेंद्र कुमार, नौशद अंसारी, नुनू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, अंकित कुमार, प्रेम कुमार पटेल, जमशेर आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको अवसर मिलता है तो आप किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी से मिलना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।